गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन सरगोधा के अहदेदारान का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भारी जुर्माने करने और गाड़ियों को दो दो दिन थानवे बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इस मौका पर मुजाहरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ अफजल शाहीन की इस रिपोर्ट में। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन सरगोधा के अहदेदारान की जानिब से भारी जुर्माने और गाड़ियों को दो दो दिन थाने में बंद करने के खिलाफ शदीद एहतजाज। सरगोधा ट्रैफिक पुलिस ने रवैया ना बदला तो न सिर्फ हड़ताल करेंगे बल्कि ट्रैफिक जाम करने से भी दरेग नहीं करेंगे। पंजाब में कहीं भी 10,000 रुपए जुर्माना और 24 घंटे के लिए गाड़ी बंद नहीं की जाती। यह कानून सिर्फ सरगोधा पुलिस ने लागू कर रखा है जो हमारा माशी कत्ल है। इन ख्यालात का इजहार एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत करते हुए गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर इमरान ढूंडा, सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान शहर और जिला सरगोधा नासिर महमूद सहगल, ख्वाजा नईम, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा जीशान, खालिद चिश्ती, चौधरी जीशान ढूंडा समेत दीगर ने किया। इस मौके पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि सरगोधा ट्रैफिक पुलिस अड्डों पर खड़े ट्रक को भी पकड़ने से दरेग नहीं करती। गुज़िश्ता रोज भी एक कंटेनर के पीछे पुलिस वाले भागे तो कंटेनर नहलौर जेहलम में जा गिरा, जिससे न सिर्फ कंटेनर को नुकसान हुआ बल्कि इसमें पड़ा माल भी खराब हुआ। एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि अमला ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ चालान करता है बल्कि बदतमीजी भी अपने ऊपर लागू किए हुए। ट्रक को 24 घंटे बंद करने से इसमें पड़ा सामान खराब होता है, जबकि कई कंटेनर और ट्रक ऐसे भी हैं जिन पर जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं और 47 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में 24 घंटे गाड़ी बंद होने से अद्वियात खराब हो जाती है। हमें दो रूट साबित डीसी ने अलर्ट किए थे मगर उन पर भी पुलिस ने नाके लगाकर हमारा माशी कत्ल करना शुरू कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट सरगोधा मोहम्मद इमरान खान बोल रहा हूँ। ये हमारे ऊपर पुलिस काफ़ी अरसा से जुल्म ढा रही है, हमारी गाड़ियां सरगोधा में आने से बंद कर रही है। हमारे पास एक रूट है, 2012 को हमें रूट दिया गया था, डीसीओ साहब असद महमूद साहब ने हमें रूट दिया था। ये डीपीओ साहब डीसीओ साहब जो हैं ये उसको कैंसिल कर रहे हैं, डीएसपी ट्रैफिक जो इनको बंद कर रहे हैं। हमें ये रूट चाहिए क्योंकि एक गाड़ी में करोड़ का माल होता है, 1.5 करोड़ का माल होता है, जिसमें मेडिसिन होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की अशिया होती हैं, ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। ये शहर में अगर बंद हो जाएंगी तो शहर सारा बंद हो जाएगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट को सुने। हमने इनके साथ काफ़ी मीटिंगें की हैं, ये हमारी मीटिंग को नहीं मान रहे और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर ये हमारे साथ बैठ के नहीं करेंगे नेगोशिएट तो हम हड़ताल करेंगे और हम पंजाब तक जाएंगे और मुल्क तक जाएंगे, हम हर शहर में जाएंगे हड़ताल करवाएंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नासिर महमूद सहगल, प्रेसिडेंट अजमेर ताजरान। ऐसा है कि जो भी सामान की बंदिश पाबंदी की जाती है उसमें सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट भी होता है, ख़राब होने का अंदेशा होता है, लेकिन इंतजामों के इससे कोई सरोकार नहीं। लोगों का, लाखों का, हज़ारों का, करोड़ों का नुकसान होता है। ट्रक की एक अपनी मालियत होती है, 24 घंटे के लिए पाबंद कर दिया जाता है, जुर्माना इलाहदा से लिया जाता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हम अब ये नाइंसाफ़ी हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सुबह हमारी मीटिंग, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम अपना हक छीन के लेंगे। सारा शहर बंद करवाना पड़ा तो बंद करेंगे। अजमेर ताजरान, गुड्स ट्रांसपोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारी तनजीमें इंशाल्लाह इस पर आमादा हैं। कल इंशाल्लाह आखिरी मीटिंग होगी, उसके बाद दोबारा मीटिंग नहीं होगी। जी।